तो हेलो गाइस, आज हम फिर से कनाल है माइनक्राफ्ट और आप लोग देख रहे हो माइनक्राफ्ट का एपिसोड नंबर 45। तो गाइस, आज हम अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में जाने वाले हैं ट्राइडेंट को ढूंढने, मतलब जो ट्राइडेंट होता है उसको ढूंढने जाने वाले हैं ओशियन में, क्योंकि वो ओशियन में जो मॉब्स रहते हैं उनके पास ही मिलता है। तो चले गए, जल्दी से चलते हैं हम ट्राइडेंट को ढूंढने, और उसके लिए हम थोड़ा बहुत सामान ले लेते हैं। तो गाइस, अभी हम चलते हैं यहाँ से। अभी हमें यहाँ पर रेड स्टोन चाहिए, तो ये 38 ले लेते हैं। तो गाइस, रेड स्टोन क्यों चाहिए? क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर पोशंस बनाने के लिए रखे हैं, मतलब जो ब्रीथिंग पोशंस होते हैं ताकि हम पानी के अंदर सांस ले पाए। तो ये रहे, ये 3 मिनट के अभी, तो इनके अंदर मैं रेड स्टोन डालने वाला हूँ ताकि ये 8 मिनट के हो जाए। तो गाइस, अभी इनको 8 मिनट का बनने देते हैं, तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो चले गाइस, अभी देखते हैं बन गया या नहीं। तो गाइस, अभी बस बनने ही वाला है। तो गाइस, अभी ये 8 मिनट का हो चुका है। हाँ गाइस, सारे 8 मिनट के हो चुके हैं। तो अभी रेड स्टोन ले लेते हैं और इन पोशंस को भी ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 पोशन, तीनों मैंने वाटर ब्रीथिंग के बनाए। तो चले गए, अभी हमने यहाँ पर पोशंस तो ले लिए, और अभी बाहर रात भी हो रही है। तो गाइस, पहले सो जाते हैं। तो चले गए, अभी यहाँ पर सो जाते हैं। तो गाइस, सुबह हो चुकी है और अभी हम चलते हैं, और तो हमें कुछ नहीं चाहिए। तो अभी हम इस रेड स्टोन को यहाँ पर रख देते हैं। और हाँ गाइस, अभी मुझे शील्ड भी चाहिए, क्योंकि वो ट्राइडेंट फेंक कर मारते हैं। तो गाइस, शील्ड शायद से मैंने नीचे रखी थी। तो चले गाइस, हम नीचे चलते हैं, हम नीचे से शील्ड ले लेंगे। तो अभी हम यहाँ पर नीचे आ चुके हैं, पता नहीं कौन से चेस्ट के अंदर रखी थी, अगर इसके अंदर तो नहीं है, इसको बंद करते हैं। तो यहाँ पर ओ द गाइस, एरी। तो यहाँ पर हमें शील्ड मिल चुकी है, तो अभी हम इसको ले लेते हैं और इसको यहाँ पर हाथ में पकड़ लेते हैं। तो गाइस, अभी मैंने अपने हाथ में शील्ड ले ली है, तो अभी हम चलते हैं यहाँ से। तो गाइस, अभी सारा सामान ले लिया शायद से, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। तो हाँ गाइस, सारा सामान ले लिया, तो अभी हम चलते हैं। तो गाइस, आपको पता ही होगा हमारे घर के पास ही ओशियन है, मतलब थोड़ा दूर है यहाँ से, जहाँ पर वो हमारे सारे फार्म है उसके पीछे ही है। तो चले गए, अभी हम चलते हैं यहाँ से। तो गाइस, यहाँ पर हम अपने कैंपिंग सेटअप पर आ चुके हैं, और यहाँ पर ये पांडा भी अभी तक ऐसे कैसे ही है, तो इनके लिए भी बहुत जल्दी घर बनाना है। तो गाइस, ये रहा, मतलब ये ओशियन नहीं है, ये तो एक रिवर टाइप है, इससे थोड़ा आगे ये जाकर ओशियन से कनेक्ट होता है। तो चले गए, मैं जल्दी से चलता हूँ ओशियन के पास, यहाँ पर पानी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो गाइस, अभी मैं पानी से तो बाहर आ चुका हूँ, और गाइस आपको दिख गया होगा सामने शायद से, वो रहा ओशियन। एक मिनट, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस, अभी आप देखना, ये जा वो जा रही है, वहीं पर ओशियन है। तो गाइस, अभी आपने देख लिया होगा ओशियन कहाँ पर है। चले गए, अभी जल्दी से चलते हैं ओशियन के पास। तो गाइस, अभी मैं ये माउंटेन के साइड से आ गया हूँ ओशियन के पास, आप देख पा रहे हो, ये एकदम डीप ओशियन है। तो गाइस, अभी हमें इसके अंदर जाना है और उन मॉब्स को ढूंढना है जिसके पास ट्राइडेंट होता है, और फिर उनको मारकर हमें ट्राइडेंट कलर करना है। तो गाइस, ये देखो कितनी जल्दी यहाँ पर लाइफ जा रही है, मतलब वो बबल्स जो है वो जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर पोशंस बना कर आया। तो गाइस, अभी तक यहाँ पर तो एक भी नहीं दिख रहा है, वो ट्राइडेंट वाले जो मॉब्स होते हैं। तो चलो गाइस, थोड़ा आगे चलते हैं, शायद से आगे मिल जाए हमें। और उस तरफ आप देख पा रहे हो पूरा आइसलैंड है, अगर हमें आइस वाइस चाहिए होती है तो वहीं से लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर अभी तक नहीं है, सिर्फ ऑक्टोपस है यहाँ पर। तो गाइस, अभी मैं वहाँ से वो और दूर आ गया हूँ, पर अभी तक मुझे वो मॉब्स नहीं मिले ट्राइडेंट वाले। और गाइस, ये सामने की तरफ क्या चमक रहा है? बस मुझे लगता है अभी यहीं पर हो गए, तो मैंने वो पोशंस भी पी लिया ब्रीथिंग का। तो पता नहीं क्या चमक रहा है, ओशियन मॉन्यूमेंट तो नहीं है? नहीं गाइस, ओशियन मॉन्यूमेंट ऐसा नहीं होता शायद, अगर ओशियन मॉन्यूमेंट होता तो अभी हमें कोई इफेक्ट आ जाता, मतलब उससे हम माइनिंग नहीं कर सकते। तो ये क्या है शायद से, कैसे सील एंट्रेंस जैसा कुछ चमक रहा है,
आ गई, इसे सी लैंटर्न ही है, तो इसको मैं कलेक्ट कर दूं। तो गाइस इसको मैं पिकअप से कलेक्ट करूंगा तो शायद से नहीं होगी, क्योंकि हमें सिल्क टच चाहिए होगा। और यहाँ पर ये रहे ट्राइडेंट वाले मॉब्स, तो गाइस इसको मुझे मारना है तभी ये शायद से ट्राइडेंट गिराएगा। पक्का तो नहीं गिराते ये हर बार, कभी कभार ही गिराते हैं, तो इनको मुझे मारना पड़ेगा। और ये कैसे हमला कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं स्वॉर्ड से तो इनको मार भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे, तीनों एक, चारों एक साथ आ रहे हैं। तो एक को तो मैंने मार दिया और उसने ट्राइडेंट भी दे दिया, तो अभी मैं इसको मारता हूँ। तो गाइस यहाँ पर बहुत चला सकता हूँ, एक मिनट। तो गाइस यहाँ पर बहुत तो चल तो रही है। तो गाइस एक को मैंने मार दिया और ये भी गया। अबे कितनी जान है इनके अंदर। तो गाइस ये गया एक बार, और अभी एक बचा है। तो गाइस इसको भी मैंने मार दिया और ट्राइडेंट एक ने भी नहीं लिया, मतलब इनके पास तो था ही नहीं और एक के पास था उसने दिया ही नहीं। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो ट्राइडेंट ड्रॉप करें, तो मुझे अभी वो डाउट है कि मुझे उसको तोड़ना चाहिए या नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी सिल्क टच वाली पिकेक्स लेकर नहीं आया। और ये भी ग्लास ही तो होता है सी लैंटर्न, तो इसीलिए। तो गाइस मैं इसको बाद में तोड़ूंगा जब सिल्क टच की पिकेक्स लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर और क्या है, ओ गाइस यहाँ पर एक और है, और यहाँ पर गोल्ड ब्लॉक जैसा कुछ। हाँ गाइस ये गोल्ड ब्लॉक ही है, तो इसको पहले मैं तोड़ लेता हूँ, क्योंकि ये तो इससे ही तोड़ता है। अबे किसने मारा अभी मुझे, तो गाइस अभी मुझे लगता है ये ट्राइडेंट वाले के साउंड है भाई, कितनी तेज मार। तो गाइस ये रहा, इसीलिए मैं शील्ड लेकर आया ताकि मैं इस ट्राइडेंट से बच पाऊँ। कितनी जोर से मार रहा है ट्राइडेंट, तो अभी मुझे इसको मारना पड़ेगा। ये देखो मुझे शील्ड ने बचा लिया, तो अभी इसके ऊपर मैं बो मारता हूँ। और अभी अभी मर क्यों नहीं रहा है, तो ये गया। तो वैसे तो सिर्फ दो ही शॉट में गया, और इसने ट्राइडेंट भी ड्रॉप कर दिया। भाई कलेक्ट हो जा, कलेक्ट हो जा, हो गया क्या। तो इस एक मिनट देखते हैं उसको ट्राइडेंट कलेक्ट हुआ कि नहीं। उससे पहले हमारे ये गोल्ड ब्लॉक का है, वो भी मैंने, हाँ ये रहा। तो इसको पहले कलेक्ट करते हैं गोल्ड ब्लॉक को। अबे अंदर चला जा, तो वैसे यहाँ पर अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर चेस्ट। अबे ये क्या है, वीट और ये सब, सिर्फ हमें एक गोल्ड ब्लॉक ही अच्छा मिला यहाँ पर, और तो कुछ खास मिला नहीं। तो अभी हमारा ब्रीथिंग पोशन भी बचा हुआ है 4 मिनट का। और तो कुछ नहीं है गाइस, तो अभी हम चलते हैं यहाँ से ऊपर। और हाँ गाइस उसने ट्राइडेंट दे दिया। वाह गाइस उसने ट्राइडेंट फेंक दिया, तो अभी हम चलते हैं यहाँ से आगे। और आगे क्या है, और तो इस जगह पर तो मुझे कुछ इतना खास मिला नहीं, सिर्फ एक सी लैंटर्न मिला है, उसको मैं बाद में तोड़ूंगा सिल्क टच पिकअप से। और गाइस ये आगे की तरफ क्या है, बबल्स जैसे। मैं यहाँ पर कितनी बार आया हूँ पर पता नहीं ये सब कहाँ से आ गया आज। और यहाँ पर ये क्या है, गाइस ये किसी का घर लग रहा है शायद, ये ट्राइडेंट वाले सारे इसके अंदर रहते होंगे, ऐसा ही लग रहा है। या फिर देखते हैं चेस्ट वेस्ट होगी तो अंदर, तो चले गए इसके अंदर जाकर देखते हैं। नहीं गाइस इसके अंदर तो कोई चेस्ट नहीं है, ये तो उनका घर ही है शायद से। तो चलो अभी हम चलते हैं दोबारा ऊपर। और आगे की तरफ मैंने कुछ दिखा था बबल्स जैसा, वो क्या था। तो गाइस देखते हैं आगे और क्या है। हाँ इस साइड से शायद से, इस साइड या फिर, तो गाइस इस साइड ही था। अभी कुछ बबल्स जैसा आ रहा था वैसे कोई, हाँ ये रहा गाइस। और गाइस यहाँ पर भी वैसा ही बना हुआ है, और ये बबल्स पता नहीं कहाँ से आ रहे, तो इन बबल्स के पास जाऊँ क्या, कुछ पॉइसन वॉइसन हो गया तो। चलो गाइस अभी चला जाता। और गाइस सिस्टम मुझे एकदम नीचे, तो गाइस एकदम नीचे खींचता है ये बबल्स, तो इसको मैं पहले तोड़ ही लेता हूँ। ये मैग्मा ब्लॉक है शायद से, हाँ ये तो सैंड है शायद, हाँ गाइस ये सैंड ही है। और यहाँ पर भी चेस्ट है, तो गाइस इस चेस्ट के अंदर देखते हैं। तो
तो गाइस यहाँ पर देखो गाइस, तीन गोल्डन एप्पल और तीन तीन गोल्ड के ब्लॉक गाइस। वाह, इसके अंदर तो थोड़ी बहुत अच्छी लूट मिली, कम से कम इसके अंदर हमें वीट नहीं मिला। और यहाँ पर एक और वो ट्राइडेंट वाला, तो इसको पहले मैं मारता हूँ यहाँ पर। अबे ये बो ना ज़्यादा दूर जाता नहीं है पानी में। गाइस मैं ट्राइडेंट भी यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर एन्चेंटमेंट लगानी पड़ती है, वरना वो ट्राइडेंट वापस नहीं आता, तो इसीलिए मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर एक ये मिला, ये भी घूम गया, तो फिर हम इसको यूज़ करेंगे एन्चेंटमेंट लगा कर, ताकि वो वापस हमारे पास कलेक्ट हो जाए। तो गाइस अभी शायद से रात हो रही है, एक मिनट में बाहर चल कर देखता हूँ। हाँ गाइस अभी रात हो रही है, और रात को और हो सकता है मॉब्स आए। वैसे मुझे पहले यहाँ पर कोई जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर मैं सेफ़ रह पाऊँ। तो गाइस एक काम करता हूँ, इसको तोड़ देता हूँ, तो यहाँ पर तो टूटने जैसा ही नहीं, पूरा पानी ही है। तो यहाँ पर नीचे कितना नीचे है वैसे, अभी बहुत अंधेरा हो गया है, तो यहाँ पर मुझे कोई तो जगह ढूंढनी होगी। तो गाइस ये जगह सही लग रही है मुझे, इसको मैं तोड़ देता हूँ, और यहाँ पर ऐसे छोटा सा ऐसे रूम टाइप बना देता हूँ ताकि मैं अंदर रह पाऊँ। तो इसको यहाँ पर पूरा तोड़ देता हूँ। तो चले गए सब, मैंने इसको यहाँ पर तोड़ दिया, और अभी यहाँ पर इसको मैं बंद कर देता हूँ ताकि कोई भी मॉब्स अंदर ना आए। तो गाइस अभी मैंने इसको बंद कर दिया और यहाँ पर अंधेरा हो गया, तो यहाँ पर टॉर्चेस लगा दिए, और यहाँ पर भी पानी में मैं फंस गया, तो इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, ये रीडर्ट। तो गाइस अभी जब तक सुबह नहीं होती तब तक मैं यहीं पर वेट करता हूँ, क्योंकि मैं बेड लेकर नहीं आया वरना सो जाता। तो चले गाइस मैं मिलता हूँ आपसे सुबह में। तो गाइस अभी मुझे बहुत देर हो गई है, अभी देखते सुबह हुई है, शायद से हो गई है। हाँ गाइस सुबह हो चुकी है। तो चले गए सभी, चलते हैं यहाँ से बाहर फिर से नीचे। वो कहाँ पर था, वो बबल्स वाला कहाँ पर था, यही पर। हाँ ये रहा गाइस, तो यहाँ पर एक चेस्ट है, ये तो मैंने देख ली है, एक बार और चेक कर लेते हैं। हाँ ये तो वही, और इसके अंदर मैप भी है, ये मैं लेना कैसे भूल गया गाइस, ट्रेशर मैप है कुछ, तो इसमें भी हम जाएंगे। अभी 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 किसने मारा, तो वैसे कौन मारा, ओ हो गया, मेरा वो पोशन ख़त्म हो गया, तो फिर से पीना पड़ेगा। तो ये रहा, तो अभी मैं इसको जल्दी से पी लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने पोशन पी लिया है, तो अभी हम चलते हैं यहाँ से आगे, और तो यहाँ पर खाना भी खा लेता हूँ, और दूसरे पोशन को मैं रेडी रखता हूँ ताकि ये ख़त्म होते ही मैं जल्दी से पी लूँ। और गाइस यहाँ पर स्केलेटन भी मरे है सुबह। तो गाइस अभी मैं उस जगह से थोड़ा सा आगे आ चुका हूँ, और अभी तक तो मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं, मतलब वहीं पर मिला था गोल्ड के ब्लॉक और कुछ गोल्ड एप्पल। और गाइस ये क्या है, ये शायद से वही जगह है जहाँ पर मैं पहले आया था स्टार्टिंग में, और यहाँ पर भी चेस्ट है। तो गाइस इसके अंदर चार डायमंड और एक डायमंड हॉर्स आर्मर भी है। तो गाइस ये मैंने पिछली बार तो नहीं देखा जब आया था, ये वही है ना सी लैंटर्न वाला। तो गाइस एक मिनट मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। और ये हाँ गाइस ये भी था उसमें, तो इसको तोड़ कर देखता हूँ। नहीं गाइस ये तो पूरा खाली है। तो गाइस ये शायद से वही है सी लैंटर्न, मैंने चेस्ट की तरफ देखा नहीं होगा शायद से। तो गाइस एक काम करते हैं ऊपर चल कर देखते हैं, देखते हाँ गाइस ये वही है, आप देख पा रहे हो, ये वो माउंटेन है जहाँ से मैं आया था, और थोड़ा आगे आने के बाद ही मुझे मिल गया था, तो शायद से वही है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी मैंने पूरा एक्सप्लोर कर दिया यहाँ पर। तो चले गए अभी आप देख पा रहे हो मैं वहाँ से माउंटेन के ऊपर आ चुका हूँ। और गाइस ये बारिश कैसे हो रही है ऐसे वाइट कलर की, तो गाइस ये बारिश में स्नोफॉल हो रही है, इस कितनी मस्त लग रही है स्नोफॉल यहाँ पर, मुझे लगा कि बारिश हो रही है। और गाइस आगे की तरफ देखो कितनी स्नो पड़ी है, इसीलिए यहाँ पर इतनी स्नो पड़ी रहती है, और यहाँ पर एक काऊ क्या कर रही है। तो गाइस यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत स्नो भी कलेक्ट कर लेता हूँ।
तो गाइस अभी मैं यहाँ पर स्नो कलेक्ट कर रहा था और आप ऊपर की तरफ देखो गाइस, कितना सही व्यू है। आप देखो गाइस क्या मस्त स्नोफॉल हो रही है और यहाँ पर कितना स्नो जमा हुआ है। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर अपना एक स्नो हाउस बनाना चाहिए, कितना मस्त लगेगा इतना ऊपर में और पूरी स्नोफॉल होगी। तो गाइस आप कमेंट में बताना कि मुझे स्नो हाउस बनाना चाहिए या नहीं। तो अभी यहाँ से मैं थोड़ी बहुत और स्नो कलेक्ट कर ली है यहाँ पर, मतलब कुछ ज़्यादा ही स्नो कलेक्ट कर लिए, देखता हूँ कितनी कलेक्ट की अभी। तो यहाँ पर तो गाइस यहाँ पर मैंने 16 16 कितने छः स्टैक कलेक्ट कर लिया 16 16 के। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से नीचे, और गाइस ये कि सीधे नीचे जाने का रास्ता ही नहीं यहाँ पर। तो गाइस वैसे ही भी नीचे पानी ही है, तो गाइस एक काम करता हूँ मैं यहाँ से सीधा जंप मारता हूँ, पर अगर मैं पानी में नहीं गिरा तो गया गाइस। तो एक मिनट ट्राई कर लेते हैं, 1 2 3। तो गाइस अभी मैं यहाँ पर, और गाइस एग्जैक्ट मैंने पानी में जंप मारा, अगर थोड़ा सा पीछे होता तो मैं इस डर्ट के ऊपर गिरता। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कितने ऊपर से जंप मारा हूँ। तो यहाँ पर वहाँ पर देखो गाइस अभी मैं पानी के अंदर गया, तो गाइस वहाँ से ऊपर से मैंने जंप मारा है। तो अभी हम चलते हैं जल्दी से घर की तरफ। तो गाइस यहाँ पर मैं अपने कैंपिंग सेटअप पे आ चुका हूँ, और वो रहे पीछे की तरफ मेरे पांडास, आप देख पा रहे हो पांडा अभी तक बोट में बैठे हुए बेचारे बारिश में, तो इनके लिए भी घर मनाएंगे। तो चले गए इस वीडियो को नहीं रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को भी दबा देना। और हाँ गाइस अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो चले गए तब तक के लिए बाय बाय। Through the highways, till my shadow turns